सभी अच्छे हो गए। मेरी हालत खराब हो चुकी है, पर रोज मार्केट घूम घूम के एंड अगेन हम लोग ना इस वक्त सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं रोज। और एक तो दिन भी नहीं निकलते ना, धूप भी नहीं निकलती, ऐसे लगता है बड़े गंदे से दिन चल रहे हैं। आलस यही रहती है मेरे को, ऐसा लग रहा है अभी तो 11-12 बजे दिन के और 4 बज चुके हैं लिटरली इस टाइम, और हम निकले हैं अभी काम करने के लिए, तो यार बड़े गंदे दिन चल रहे हैं। मतलब गंदे सेंस की आलस, अजीब सा, धूप निकले ना बंदे का मन करता है, खुलता है थोड़ा सा दिमाग, खुलता है इतना स्टक की, ऊपर से ठंड इतनी, क्योंकि मार्केट बाजार में घूमने के लिए स्कूटी पे जाना पड़ता है, उस पर बहुत ज्यादा ठंड लगती है। पर काम तो जैकेट पहन के आनी चाहिए थी यार, लिटरली जब मैं गाड़ी बैठे थे मुझे याद आया मैंने छंड कर तो आ गई, अब मैं नहीं कर रही। मेरी पहन लो या तुम, मैं घर से देता हूं। नहीं नहीं इट्स ओके, हो जाएगा मैनेज। फिलहाल सुमेश के घर पे आज कौन है, तुम गाड़ी चलानी सीख लो, मार्केट गाड़ी में जाया करो। कितनी बार बोला मैंने आपको कि मुझे गाड़ी सिखा दो, आज तक तो सिखाई नहीं, अब सिखाओगे बड़े तुम। अब शादी के बाद सिखाओ, अब तो मैं ड्राइविंग स्कूल ही लग जाऊंगी आपसे नहीं सीख रही। आपको दिलाऊंगा मिनी कूपर कन्वर्टेबल। यस मजाक कर रहा हूँ। यस इससे रिलेटेड कुछ है जो कि आपको शादी वाले किसी फंक्शन में सुनने को मिलेगा, सो हिंट दे रही हूँ, ठीक है। वेल मुझे फिर मार्केट जाना है और सेम कल वाली शॉप पे जाना है, बिकॉज मुझे उन्हें कोई कपड़ा देना था, क्योंकि मैं किसी चीज़ की कस्टमाइजेशन करवा रही हूँ जिसके लिए स्टफ मुझे उन्हें खुद देना था, और कल हम बहुत लेट हो गए थे कर्टेंस वगैरह करा के, तो मैं आज करूँगी। उसके बाद हमने कर्टेंस भी मेजरमेंट ले गया, बंदा सब हो गया डन, और रूम्स वाले कर्टेन तो डन है, लेकिन बाहर वाली लॉबी के हमने नहीं किए थे तो वो भी हमने आज करने हैं। राम मंदिर के लिए देखो कैसे जा रहे हैं पहले। ऑरेंज ऑरेंज कितना क्यूट लग रहा था। कल सेलिब्रेशन है ना। यस सेलिब्रेशन, नाचो दनादन। चलो आपका घर आ गया है, जाएंगे अपने घर और हम जाएंगे विशाल जी के साथ मार्केट। मैंने कल जिम में ना लेग्स लगाई थी और इतने दिनों बाद लगाई और ऊपर से इतनी गंदी लगाई थी ना, इस वक्त इस लेग में यहाँ क्रैम्प पड़ा हुआ, इसमें यहाँ, उत्तराखंड जा रहा स्टेट से। बैठ जा फिर यार, मैं ना गलत दिन मार्केट आ गई, आज संडे है और कैन यू सी द क्राउड, हर जगह बस यही हो रहा है 150 के दो। मैं यहाँ मार्केट में इन भैया की शॉप पे आई हूँ और मुझे अभी कपड़ा लेना होता है कुछ मटेरियल कस्टमाइज करवाने के लिए, मैं इधर ही आती हूँ और यहाँ मुझे वो चीज़ मिल भी जाती है, अदालत बाजार में इनकी शॉप। भैया क्या नाम है? MG फैब्रिक। तो पटियाला में जिसको भी लेना हो भाई इसी शॉप को विजिट करना, स्टफ लेना हो जब कुछ भी ड्रेस वगैरह मटेरियल बनवाने के लिए। मुझे जो कपड़ा चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं, तो उसके कारण से मुझे ना स्पेशली वाइट में कपड़ा लेके उसे मतलब डाई करने के लिए देना पड़ा, और वो हम दे आए हैं जो मुझे आधे घंटे तक मिल जाएगा। और आज इतनी ज़्यादा ठंडी है, मतलब ऐसे लग रहा है मतलब बहुत ही गंदी ठंड है, इतने दिनों से मार्केट घूम रही हूँ पर आज बहुत ज़्यादा ठंड है, लिटरली पता नहीं मैं कैसे बस घूम रही हूँ। ये तो शुक्र है मैंने ये शॉल ले लिया, थोड़ा कवर हो गया, क्योंकि आज मैं जैकेट भी नहीं वियर करके आई बाय द चांस। और अभी हम कर्टेंस वाली शॉप पर ही जा रहे हैं जहाँ सुमेश पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं। मुझे लगी थी भूख और मैं अब खाने लगी हूँ। अपनी कोई प्रूव ही नहीं हुई इस राम मंदिर वाली स्क्रिप्ट। यहाँ ये स्क्रिप्टों को हैंडल करते हुए मेरे ग्रूम टू बी, मेरे पति देव ग्रूम टू बी, कैसे हैं जिट नूडल्स हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ, और गाड़ी में बैठ के इतना अच्छा लग रहा है, आज इतनी ठंड है बहुत। थोड़ी देर बंद करते हैं, हीटर 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 नहीं मत करो, नहीं कर रहे। लुक एट द डेकोरेशन, कितना प्यारी डेकोरेशन कर रखी है। शॉल के ऊपर अयोध्या लिखा हुआ है। हाँ शॉल के ऊपर अयोध्या लिखा हुआ है। शॉल के ऊपर भी अयोध्या, हर जगह राम की ही महिमा गूंज रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाभी के सक होली।